नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन वॉइस। भारत पेट्रोलियम का एलपीजी गैस का बड़ा टैंकर अनियंत्रित होकर पलटा। गैस का हो रहा रिसाव, आवागमन रोका गया। कलकत्ता से देवरिया के बैतारपुर डिपो आ रहा था एलपीजी गैस का टैंकर। तरकुलवा थाना क्षेत्र के पटनावा पुल के पास हुआ बड़ा हादसा। डिपो की टीम लगी उठाने के लिए, कई क्रेन और फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची। भारत पेट्रोलियम का यह टैंकर कोलकाता के हल्दिया से एलपीजी का लिक्विड फॉर्म का गैस लेकर देवरिया जनपद के बैतालपुर डिपो के लिए चला था, लेकिन वह जनपद के तरकुला थाना क्षेत्र के पटना पुल के पास अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे इसमें गैस का रिसाव होने लगा। मौके पर सूचना पाकर पहुंची तरकुला पुलिस ने दोनों तरफ से आवागमन को बंद कर दिया और टैंकर को उठाने के लिए 3 क्रेन मौके पर लगा दी, लेकिन आला अधिकारियों ने बताया कि इस टैंकर को खड़ा नहीं किया जा सकता, इससे बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसलिए पटना से एक खाली टैंकर और उसके उपकरण मंगाए जा रहे हैं, ताकि इस टैंकर से गैस को निकाला जा सके। देवरिया से नदीम खान की रिपोर्ट। भारत पेट्रोलियम का टैंकर था एलपीजी गैस, जिसमें फुल थी और वो यहाँ कुछ मोड़ था, वहाँ सही से मोड़ नहीं पाया और उसी में पलट गया वो टैंकर, जिसमें दिलशाद नाम का एक ड्राइवर था। वो रहने वाला था किसी दूसरी जगह का रहने वाला था, उत्तर प्रदेश का ये था, प्रतापगढ़ का था रहने वाला। तो उसको हॉस्पिटल भेज दिया गया सदर में। क्या ये लीकेज कर रही है, इसके लिए क्या आवागमन बाधित किया गया आप लोगों ने? नहीं, हल्का जो लीकेज के लिए हो रहा है, उसके लिए बैतालपुर से इनके जो हेड हैं भारत पेट्रोलियम के, उनको बुलाया गया है जी। वो उनकी टीम यहाँ लगी है। क्या रास्ता ब्लॉक किया गया है? रास्ता इसलिए ब्लॉक कर दिया गया है कि अंधेरे में कोई और गाड़ी यहाँ से निकलते हुए टच ना कर जाए इसके साथ। कौन सी सड़क है, कौन सा सड़क है ये हाईवे? ये देवरिया से कस्या रोड है। कितनी क्रेनें लगाई गई हैं यहाँ पे, क्या फायर ब्रिगेड क्या व्यवस्था की गई है? क्रेनें इसलिए लगाई गई थी कि पहले ये सोचा गया था कि ये इसको सीधा किया जाए, पर अब इसको सीधा नहीं करने के लिए ये थोड़ा रिस्की था, तो ये भारत पेट्रोलियम की यही टीम कही कि नहीं, सीधा नहीं किया जाएगा, इसको खाली होगा। हाँ, इसको खाली किया जाएगा। कहाँ से आ रही थी बताया जा रहा है? देखिए, वो जो उनको पता है कहाँ से वो बुलवा रहा है। खतरा तो नहीं है इसको? नहीं, तो खतरा